तो फ्रेंड्स चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे सब हमारा डिटेल्स है कि कौन सा प्रोडक्ट आया है और किस कंपनी से आया है। ये हमने अमेज़न से ऑर्डर किया था। इसको मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। मैं इसे खोलने में बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था। सो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में देखने पर ये यहाँ पे हमें रिसिप्ट मिल जाता है, कौन सा प्रोडक्ट बाय किया है, क्या बाय किया है। ये मैंने स्कीमी स्पोर्ट्स एनालॉग डिजिटल मल्टी कलर डायल मेंस वॉच ऑर्डर किया है। तो चलिए हमारे मेन प्रोडक्ट को निकालते हैं। मुझे पैकिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। इसकी पैकिंग क्वालिटी तो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी। इसके यहाँ पे आउटर कवरिंग में एक पॉलिथीन दिया गया है। यहाँ पे स्कीमी का लोगो दिया है, आप देख सकते हैं। देख लेते हैं कि पीछे कोई इंफॉर्मेशन है कि नहीं। हाँ यहाँ पे है। ये मॉडल नंबर है 1155 मिलिट्री और इसकी MRP है 1999 और क्वांटिटी 1 है। मैन्युफैक्चरिंग डेट अगस्त 2019 ही है। ब्रांड स्कीमी, मार्केटेड बाय रिदम मार्केटिंग बैंगलोर। तो इसे अनबॉक्स करते हैं। वाओ, हमें स्टार्टिंग में ही हमारी वॉच मिल जाती है। देखते हैं कि अंदर कुछ और है कि नहीं। हाँ, एक यूजर मैनुअल। इसे साइड में रखते हैं और ये प्रोटेक्शन के लिए दिया होता है। सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है हमारा मेन वॉच। सो फ्रेंड्स ये था हमारा मेन कंटेंट। दिखने में तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। पीछे ये देखिए एक स्टिकर लगा हुआ है और ये QC पास है। आप इसका लुक तो देखिए, कहीं ये जी शॉक के मड मास्टर से तो इंस्पायर्ड नहीं। हाँ ये उसी से ही इंस्पायर्ड है, एकदम वैसा ही वॉच लग रहा है। पीछे से देखे तो अच्छे से फिट भी नहीं हुई है। यहाँ पे आपको 4 बटन मिल जाते हैं, लाइट, मोड, स्टार्ट, रीसेट और ये क्लाउन है जिससे आप टाइम सेट कर सकते हैं। ये जो बीच वाला बटन है इससे भी आप लाइट ऑन कर सकते हो। शायद आपको दिख ना रहा हो पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या आप देख सकते हैं लाइट ऑन हुई। ये एनालॉग प्लस डिजिटल वॉच है। एनालॉग का मतलब ये जो आवर एंड मिनट है ये सब होगा इस वॉच में, और डिजिटल का मतलब ये जो नंबर आपको दिख रहा है नीचे वो है डिजिटल। देखने में तो इतना स्टाइलिश है मैं आपको बोल नहीं सकता। अगर आपको बजट में वॉच लेनी है जो जी शॉक जैसी दिखती हो तो ये आपकी बेस्ट चॉइस रहेगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि टाइम कैसे सेट करते हैं। पहले मैं ये यूजर मैनुअल पढ़ के ही आपको बता सकता हूँ।
फ्रेंड्स देखूं तो यहाँ पे लिखा है ग्रीन लाइट, यहाँ पे ग्रीन लाइट है, आपको मैं दिखा दूं। नीचे लिखा हुआ है 1/100 क्रोनोग्राफ वाटर रेजिस्टेंट। मुझे नहीं लगता कि ये वाटर रेजिस्टेंट है। हाँ, हल्की फुल्की बारिश में आप इसे पहन सकते हैं। यहाँ पे लिखा है स्पोर्ट्स वॉच शॉक रेजिस्टेंट। मुझे तो नहीं लगता कि ये शॉक रेजिस्टेंट है। सो यहाँ पे आपको बेसिकली 4 बटन्स मिल जाते हैं, लाइट मोड, ये भी लाइट का ही बटन है, स्टार्ट, रीसेट। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको टाइम, डेट और डे कैसे सेट करना है। ये देखिए, जो ये मोड का बटन है आप उसे प्रेस कीजिए। यह है स्टॉप वॉच। अगर आपको स्टॉप वॉच चलाना है तो आपको स्टार्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा, और अगर आपको इसे स्टॉप करना है फिर से स्टार्ट का ही बटन प्रेस कीजिए। इसे अगर आपको 0 पे लाना है तो रीसेट कर दीजिए। है ना कितना इजी। अभी मैं आपको टाइम और डेट कैसे सेट करते हैं वो करना सिखाऊंगा। ये देखिए, अभी तो हम स्टॉप वॉच पे हैं, और एक बार मोड प्रेस कीजिए तो फिर ये फिर से टाइम ही आ जाता है स्टॉप वॉच। ये है अलार्म। तो फिर आप देख सकते हैं कि 3 बार प्रेस करने से ये जो सेकंड का बटन है वो फ्लैश कर रहा है। अब आप रीसेट का बटन दबाने से ये आवर है, जितना भी टाइम हो रहा है आवर्स में वो आप सेट कर दीजिए। फिर से अगर आप रीसेट पे जाते हैं तभी आपको यहाँ पे मिनट सेट करने होते हैं। मतलब जैसे 5:19 हो रहा है तो फिर आपको यहाँ पे 19 सेट करना पड़ेगा। अगर आप और एक बार रीसेट बटन दबाते हैं तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेट है। यहाँ पे आप डेट सेट कर सकते हैं, जो भी आज का डेट है। अगर आप और एक बार रीसेट प्रेस करते हैं तो फिर ये मंथ है, कौन सा मंथ अभी चल रहा है। अभी अगस्त चल रहा है तो फिर मैंने इसमें 9 सेट कर दिया। अगर आप और एक बार रीसेट प्रेस करते हैं तो फिर ये है डे। डे को आप कैसे सेट करोगे, आज थर्सडे है ठीक है, आप स्टार्ट बटन को प्रेस करके सेट कर सकते हो ये और सारा कुछ। तो आज है थर्सडे तो मैं थर्सडे सेट कर दूंगा। अब आप मोड का बटन प्रेस कर दीजिए, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लिखा है ग्रीन लाइट, ये है ग्रीन लाइट, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइट हो रहा है। यहाँ पे 4 बटन है, लाइट मोड, स्टार्ट, रीसेट, और ये क्राउन है जिससे आप एनालॉग टाइम सेट कर सकते हैं। अब अगर आपको डेट टाइम और डे सेट करना है तो फिर आपको मोड को प्रेस करना पड़ेगा। ये आ जाता है हमारा स्टॉप वॉच। अगर आपको स्टॉप वॉच करना है तो फिर आपको स्टार्ट पे प्रेस करना पड़ेगा। स्टार्ट पे प्रेस करके अगर आप स्टॉप करना चाहते हो फिर से स्टार्ट पे प्रेस कीजिए। अगर आपको रीसेट करना है तो रीसेट पे प्रेस कीजिए। यह आ जाता है हमारा टाइमर। अगर आपको टाइमर सेट करना है तो फिर आपको इसी मेथड से करना होगा। जब हम डे पे फिर से आते हैं तो क्या आप देख सकते हैं ये जो सेकंड वाला है, यहाँ पे सेकंड्स दिखा रहे हैं, वो ब्लिंक कर रहा है।
सेकंड्स को तो हम सेट नहीं कर सकते, इसलिए हम रीसेट पे जाएंगे। अब ये आवर है, जितना आवर हो रहा है आपको उतना सेट करना है, ठीक है। फिर से रीसेट पे जाते हैं तो फिर ये मिनट्स है, कितना मिनट्स हो रहा है उसे सेट करते हैं। और ये सब आपको स्टार्ट बटन को प्रेस करके सेट करना पड़ेगा। फिर से रीसेट पे जाते हैं तो आप क्या देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये डेट है, इस डेट में आपको अपना डेट सेट करना है। फिर से अगर रीसेट पे करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना मंथ सेट करना है। फिर से रीसेट पे करते हैं तो यहाँ पे डे आ जाता है, कौन सा डे है। अगर आपको डे सेट करना है तो फिर स्टार्ट पे कीजिए, आज थर्सडे हो रहा है तो फिर मैं थर्सडे सेट कर दूँगा। और अगर आपको फिर से सब कुछ नॉर्मल करना है तो आप मोड पे प्रेस कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो फिर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सच में बहुत वंडरफुल वॉच है।